सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार सीसीएमटी के काउंसलिंग पोर्टल के बारे में, जो कि एमटेक एडमिशंस के लिए होता है। जो पोर्टल है वो रिसेंटली लॉन्च हो चुका है यार, उसके बारे में जो भी अपडेट है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही आप सीसीएमटी की वेबसाइट पर जाओगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा उसके होम पेज का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, इन्होंने इंट्रोडक्शन के अंदर ही दे रखा है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स में आप इनरोल कर सकते हो सीसीएमटी के पोर्टल के थ्रू। और जो भी गेट्स को, जिन भी स्टूडेंट्स के गेट्स को 2022, 2023 और 2024 के जो स्टूडेंट हैं, वो अपने गेट स्कोर के थ्रू सीसीएमटी में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सीएमटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं इन इन कॉलेज के लिए, जैसे एनआईटीज हो गए, ट्रिपल आईटीज हो गए, सीएफटीआईज हो गए। तो ये सारे जो कॉलेजेस हैं इनमें एडमिशन ले सकते हैं सीसीएमटी पोर्टल के थ्रू। अब इसके बाद यहाँ पर आप जाओगे इन्फॉर्मेशन के अंदर, आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोचर दिखेगा, इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। इसके अंदर आपको जो भी प्रोसेस है सीसीएमटी का, पूरा प्रोसेस है एडमिशन का, उसके रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जो आपको डेफिनेटली एक बार देखनी देखनी है। एक ये चीज है टाइप्स ऑफ फीस, किस किस तरीके की फीस आपको प्रोसेस के अंदर बीच बीच में देनी पड़ सकती है। जैसे कि अगर आपको कोई सीट रिजर्व करनी है और फिर भी आपको नेक्स्ट राउंड में आगे जाना है, उसके लिए कितनी फीस आपको देनी पड़ेगी, या फिर आपको अपनी सीट फाइनल करनी है तो उसके लिए आपको कितनी सीट देनी पड़ेगी, और अलग अलग राउंड्स के लिए जो जो फीस है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस पूरे को आप एक बार रीड कर लेना अच्छे से। और इसके बाद यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा ध्यान से पढ़ लेना कि आप एलिजिबल हो या नहीं। इसके बाद फिर आप यहाँ पर जो सीट अलॉटमेंट का सेक्शन है वो भी आप पढ़ सकते हो कि किस बेसिस पर जो सीट है वो अलॉट की जाएंगी। फिर उसके बाद ये जो चीजें हैं काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड, ये आप पूरा पढ़ लेना एक बार। फिर यहाँ पे जो सेकंड राउंड है उसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो दे रखी होंगी। उसके बाद जो थर्ड राउंड है उसके बारे में यहाँ पे लिख रखा है। तो ये सारी जो भी राउंड्स हैं वो आप नीचे पढ़ लेना। जैसे यहाँ पे जो स्पेशल राउंड है उसके बारे में बताया गया है। तो जो भी राउंड्स हैं, जितने भी राउंड्स हैं, उन सबको आप एक बार गो थ्रू हो लेना उनसे। अब यहाँ पे आप देखोगे फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज। जैसे अगर आपको पोर्टल के बारे में पता हो तो वहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, रिटेन, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। ऐसे सीसीएमटी पोर्टल के अंदर आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं किसी भी ऑफर के लिए, या तो आप फ्लोट कर सकते हो, या फिर स्लाइड कर सकते हो, या फिर फ्रीज कर सकते हो। तीनों ऑप्शन में क्या क्या चीजें होती है वो आप इनके अंदर पढ़ सकते हो। और फिर लास्ट में जब आप आओगे यहाँ पर आपको कुछ फ्लो चार्ट देखने के लिए मिलेंगे। इन फ्लो चार्ट में बेसिकली ये बताया कि जो प्रोसेस है वो कैसे होगा पूरा। तो इस तरीके से ये सारे फ्लो चार्ट आप एक बार देख लेना। और बाकी इसके बाद नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह का के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप सीट रिजर्व करते हो किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो ये चीज यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसको आप रीड कर लेना एक बार अच्छे से। तो इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोचर के अंदर मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप वेबसाइट पे ई सर्विसेज के ऑप्शन पर जाओगे तो यहाँ से आप पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट देख सकते हो, जिन जिन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है सीसीएमटी पोर्टल के थ्रू। अभी यहाँ पे इन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दिया है इससे रिलेटेड। इसके अलावा आप जो सीट मैट्रिक्स है वो भी आप यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने अभी कोई अपडेट नहीं दिया है। और बाकी आप अपने आप से भी इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हो रेगुलरली कि कोई अपडेट आया है या फिर नहीं आया है, एप्लीकेशन वगैरह स्टार्ट हुए हैं या फिर नहीं, ठीक है। और जो पोर्टल है यार वो काफी हद तक सिमिलर है कोप पोर्टल की तरह। वहां पर जो तीन ऑप्शन होते थे हमारे, रिटेन, रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने के, सेम तरीके से यहाँ पे भी ऑप्शन होते हैं फ्रीज करने के, फ्लोट करने के और स्लाइड करने के, ठीक है। फ्लोट का मतलब होता है अगर आपको जो राउंड है उसके अंदर कोई भी ऑफर आपको ऐसा लग रहा है आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो तो आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो। स्लाइड का मतलब है अगर आप सेम कॉलेज में अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कॉलेज मिल गया है तो उस सेम कॉलेज के अंदर आप और बेटर ब्रांच चाहते हो, एक बेटर ब्रांच के लिए आप स्लाइड ऑप्शन का यूज कर सकते हो। और जो फ्रीज का ऑप्शन होता है वो आप जब यूज करते हो जब आपको अपनी जो कॉलेज और ब्रांच है वो फाइनल करनी होती है, आपको पक्का है कि आपको इस कॉलेज के अंदर सेम ब्रांच में एडमिशन लेना है, तो वहां पर आप फ्रीज ऑप्शन का यूज करते हो, ठीक है। और बाकी इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वीडियो डालने की। तब तक आप अपने आप से भी रेगुलरली इस चीज को चेक करते रहें, अपडेट जो है वेबसाइट पर उसे चेक करते रहें। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी वीडियोस आने वाली हैं उनका अपडेट आपको मिल जाए। और बाकी इस वीडियो में इतना ही यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप हसलिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।